हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो के मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे आप लोग हमारी चैनल के अंदर जो ए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी टू रूट फाइव पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, हैज द टू इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर टू इक्वल रूट के लिए, जो CBSE 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत मजा का, मस्त मजा का क्वेश्चन है कि लेट सॉरी यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पी एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ना वैल्यू ऑफ ए इज अ पी, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट फाइव पी एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 15। सो नाउ वी नो दैट फोर टू इक्वल रियल रूट डी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ना वी पुट द वैल्यू बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट फाइव पी का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू पी एंड सी की वैल्यू 15 इज इक्वल टू जीरो। टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, फाइव का स्क्वायर अंडर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू 15 यानी कि 15 फोर जा कितना होता है 60 पी इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे फोर फाइव जा 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी टेक 20 पी एज अ कॉमन, क्योंकि 23 जब 60 होता है और पी दोनों में है तो 20 पी एज अ टेकन एज अ कॉमन, तो पी माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। सो 20 पी इज इक्वल टू जीरो और पी माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, then p is equal to 20 goes to the right side, then 0 divided by 20, now p is equal to 0 or p is equal to minus 3 goes to the right side, so p is equal to 3. So p ki do value yaha pe mil rahe, p is equal to 3 and p is equal to 0, but p is equal to 0 does not valid. So p is equal to 3, okay, so value of p is a 3, p ki value kya rahegi, 3 rahegi. Thank you student watching for videos.